राजधानी दिल्ली में इस समय कोरोना का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। रविवार को कोरोना संक्रमण के 6,746 नए मामले सामने आए, जबकि 121 मरीजों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो चुका है। रविवार के दिन ही बीते 24 घंटे के भीतर 6,776 मामले सामने आए। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे के भीतर ही 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली में इस महामारी से मृत्यु दर 1.58% पर पहुंच गई, जबकि देश में ये दर 1.48% है। दिल्ली में अब तक कुल 5,29,863 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से 4,81,260 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं 8,391 मरीजों की जान जा चुकी है, जबकि अभी भी 40,212 सक्रिय केस हैं। इसमें से 23,301 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। नवंबर के महीने में ही राजधानी में कोरोना महामारी से 21 नवंबर तक 1,759 लोगों की मौत हो चुकी है और ये लगभग 83 मौत प्रतिदिन है। पिछले 10 दिनों में मौत का आंकड़ा 4 बार 100 से ज्यादा पहुंचा और अगर कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो शनिवार को 111 मरीजों की, शुक्रवार को 118 की, बुधवार को 131 और 12 नवंबर को 104 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में औसत मृत्यु दर 1.58% है, जो कि राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.48% की तुलना में अधिक है। जानकार मानते हैं कि सर्दियों में अधिक मौतें होती हैं। ये एक बड़ा अंतर है जिससे हमने कोविड-19 से मौत के मामले में भी देखा है। कोरोना वायरस के कारण जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 70% बुजुर्ग या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। हालांकि सरकार तमाम दावे व्यवस्थाओं को लेकर जरूर कर रही है कि आईसीयू में वेंटिलेटर बेड सहित तमाम व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया गया और सभी मार्केट में कड़ी निगाह रखी जा रही है। कोई भी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है तो उसका चालान भी किया जा रहा है। वहीं टेस्टों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में रविवार को 54,893 कोरोना जाँच हुई। इसमें 23,433 RT-PCR जांच और 31,460 रैपिड एंटीजन जांच शामिल है। राजधानी में अब तक कुल 58,15,971 जांच हो चुकी है, लेकिन देखा जा रहा है कि कई बाजारों में अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है। बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है और जिसके नतीजे कोरोना संक्रमण के रूप में सामने आ रहे हैं। रविवार शाम भी दिल्ली के दो बाजारों में स्थिति खराब देखने को मिली, जहां DDMA ने रविवार को आदेश जारी करते हुए पंजाबी बस्ती बाजार और जनता मार्केट को 30 नवंबर तक बंद करने का निर्देश दिया। ऐसे में सरकार के साथ ही साथ लोगों को और व्यापारियों को भी जागरूक होना होगा ताकि कोरोना संक्रमण को जल्द ही मात दी जा सके। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट।